नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जून में बोई आपकी फसल इस वक्त खेतों में दो महीने की होकर लहलहा रही है और अतिवृष्टि का दौर भी थम चुका है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त जानना कि इन दिनों खेतों में क्या आपको करना है, यानी कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं, क्योंकि इसी वक्त कीटों का प्रकोप होता है, जल निकासी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना खेतों में फसलों के सड़ने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सोयाबीन समेत तमाम फसलों का ध्यान इन दिनों आपको कैसे रखना है, कौन कौन से ज़रूरी काम आपको करने हैं। और इस विषय से जुड़े अगर कोई सवाल आपके मन में है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल तुरंत हमें फ़ोन कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, हमारे फ़ोन नंबर हैं 07552660049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा, फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा, लेकिन उसके पहले आप देखिए खबरें खेती की प्रताप के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 94% खरीफ बुआई पूरी, जलाशयों में 18% अधिक जल भराव, धान की फसल में पौध संरक्षण उपाय करें, अरहर को खरपतवारों से बचाएं और खरपतवार नियंत्रण में मददगार कोनोफीडर। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई अंतिम चरण में पहुंच गई है। अभी तक प्रदेश भर में 130 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की बुआई से 5 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस वर्ष 137 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई प्रस्तावित है। सबसे अधिक बुआई 53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की हुई है। कृषि संचालनालय से प्राप्त अनुसार 15 दिन देरी से आए बेहतर मानसून के कारण किसानों ने खरीफ बुआई बेहतर की है। धान को छोड़कर अन्य फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। धान की बुआई 23 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल से मामूली कम है। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार 1.5, मक्का 15, बाजरा 3, अरहर 5, उड़द 15, मूंग 2, मूंगफली 2.25, तिल 3.5 एवं कपास 6 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। इस वर्ष मक्का एवं उड़द की बोनी अपेक्षाकृत ज्यादा हुई है। खरीफ फसलें वर्तमान में बेहतर स्थिति में हैं। जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष अभी तक गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक जल भराव हुआ है। गत वर्ष प्रमुख जलाशयों में औसत 49% जल भराव हुआ था। इस वर्ष जलाशयों में औसतन 67% जल भराव हो गया। बरगी जलाशय जबलपुर तथा गोपी किशन सागर गुना पूर्ण रूप से भर चुके हैं। इंदिरा सागर जलाशय खंडवा, तवा जलाशय होशंगाबाद, पैंच जलाशय छिंदवाड़ा, पगरा जलाशय सागर, थावर जलाशय मंडला, मंडीखेड़ा जलाशय शिवपुरी और माही जलाशय धार के 90% एवं इससे अधिक जल भराव हुआ है। जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने निर्देश दिए हैं कि जलाशयों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए भ्रमण के दौरान धान के खेतों में रोग व कीट आने की संभावना देखी गई है, जिसमें विशेषकर कीटों में तना छेदक, पत्ती छेदक, भूरे फुदके व कुछ स्थानों पर नीमटोड व रेडवर्म भी देखे गए हैं, जिसके उपचार हेतु कृषक भाई कार्बोफ्यूराइन 3% सीजी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या करटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कई स्थानों पर वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया है कि किसान भाई कीटों के लिए अत्यधिक मात्रा में फोरेट 10G का प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पर यह दवा अत्यधिक विषैली है, जिससे मित्र कीटों एवं सर्प तक की भी मृत्यु हो जाती है एवं विषम परिस्थिति में दवा डालने व किसान भी प्रस्तावित हो जाता है। साथ ही पालतू पशुओं, गाँव के तालाबों एवं भूगर्भ जल के लिए भी अत्यधिक हानिकारक है। वैज्ञानिक द्वारा कुछ कृषकों के प्रक्षेत्रों पर ब्लास्ट रोग एवं जीवाणु झुलसा रोग भी देखे गए हैं, जिसकी रोकथाम हेतु फफूंदी नाशक ट्राईसाइक्लोजॉल 75% WP 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या हेक्साकोनाजोल 5% EC 1000 मिलीटर प्रति हेक्टेयर या प्रोपीकोनाजोल 25 EC 700 मिलीटर प्रति हेक्टेयर को 600 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। अगर जीवाणु झुलसा का प्रकोप देखा गया है तो 2 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन प्रति पंप 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल में शुरुआती 45 से 50 दिन के बीच खरपतवार की मौजूदगी अत्यधिक नुकसानदायक होती है। अगर वक्त रहते खरपतवार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसकी पैदावार में 90% तक की भारी गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि प्रथम 60 दिनों में खेत में हैंड या खुरपी से 2 निराइयां करने पर प्रथम बुआई के 25 से 30 दिन बाद एवं द्वितीय 45 से 60 दिन बाद करें।
खरपतवारों में प्रभावी नियंत्रण के साथ मृदा वायु संचार में वृद्धि होने से फसल एवं सहजीवाणियों की वृद्धि होती है और अनुकूल वातावरण तैयार होता है। खरपतवारों की गंभीर समस्या हो तो अंतिम जुताई के समय खेत में वासालिन की 1 किलोग्राम सक्रिय मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर या लासों की 3 किलोग्राम मात्रा को बीज अंकुरण से पूर्व छिड़कने से खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कोनोवीडर यंत्र में 2 रोटर फ्लोट फ्रेम और हैंडल लगे होते हैं। रोटर त्रिशंकु आकार के होते हैं एवं इसकी सतह पर लंबाई में चौरस दांतेदार स्ट्रिप्स जुड़ी होती हैं। रोटर विपरीत अनुकूलनीय आगे पीछे क्रम में होते हैं। फ्लोट रोटर और हैंडल फ्रेम के साथ जुड़े होते हैं। फ्लोट कार्य की गहराई को नियंत्रित करते हैं तथा रोटर असेंबली को गीली मिट्टी में धंसने नहीं देता है। कोनोवीडर दबाव के कारण संचालित किया जाता है। रोटर के अभिविन्यास मिट्टी के शीर्ष 3 सेंटीमीटर से आगे पीछे संचालन करते हैं, जिससे खरपतवार को जड़ से उखाड़ने के बाद में मदद करता है। कोनोवीडर का प्रयोग पंक्तियुक्त धान की फसल या गीली मिट्टी में कुशलतापूर्वक खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। यह आसानी से चलाया जा सकता है तथा पोखर मिट्टी में नहीं धंसता है। इस यंत्र की कार्य क्षमता लगभग 0.18 हेक्टेयर प्रतिदिन है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन कार्यक्रम। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में, यानी कि खेतों में जो 2 महीने की फसल तैयार है उसमें हमें इन दिनों क्या काम करने हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हीरेंद्र ओंकार जी। आप कृषि उप संचालक हैं और बरखेड़ी कला भोपाल में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और किसान भाइयों, हमें आपके सवालों का इंतजार है, लेकिन उसके पहले हम हीरेंद्र जी से जानते हैं कि इन दिनों कौन कौन से समसामयिक कार्य, थोड़ा संक्षेप में पहले बताइए हीरेंद्र जी कि क्या इस वक्त हमारे किसान भाइयों को करना, जो अतिवृष्टि का दौर चला है उसके बाद। किसान भाइयों नमस्कार। अभी खरीफ की फसलें, प्रमुख फसल जिसमें सोयाबीन है, लगभग 2 माह की हो चुकी है और इसके अतिरिक्त अन्य फसलें जैसे दूसरे नंबर पर धान है, वो भी लगभग 1-1.5 माह की हो चुकी है, रोपाई अभी उसकी समाप्त हो चुकी है। और उसके पश्चात मक्का, कपास, अरहर आदि प्रमुख फसलें हैं। इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि इस बार सामान्य से अधिक वर्षा जिस क्षेत्र में हुई है वहाँ पर हमें प्रमुख रूप से जल निकासी का प्रबंध बहुत आवश्यक रूप से करना पड़ेगा जी। जल निकासी करने से ही उसमें उसकी जड़ों में वायु का संचार होगा, जिसके कारण जो पोषक तत्व हैं वो पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यदि लगातार जल भराव की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में पौधे अपना पोषक तत्वों का वहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद भी उचित मात्रा में उसका
उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो एक तो सबसे प्रमुख ये हुआ, उसके पश्चात जो प्रमुख फसलें हैं जैसे सोयाबीन, इनमें हमें सतत निगरानी रखनी है, प्रतिदिन उसका ऑब्जर्वेशन करना है फील्ड में जा करके, और वहाँ पर ये देखना है कि कोई कीट व्याधि रोग इत्यादि का आक्रमण तो उसमें नहीं है, कोई शुरुआत तो नहीं है। यदि शुरुआत है तो छोटी अवस्था में ही हम उन्हें देख करके और उनके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए हम तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, हम जरा जो सबसे बड़ी हमारी फसल होती है सोयाबीन प्रदेश में, सोयाबीन की, उसमें कीट प्रकोप की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो अब जरा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सोयाबीन में कीट प्रबंधन कैसे करना है। सोयाबीन में कीट प्रबंधन में सबसे प्रमुख तो मैंने बताया कि सतत हम उसका निगरानी रखें, और इस समय वर्तमान में वानस्पतिक वृद्धि अधिक, चूंकि अधिक वर्षा हुई है इस कारण से वानस्पतिक वृद्धि भी अधिक हो गई है, और वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण उसमें प्रमुख रूप से सेमी लूपर, तम्बाकू की इल्ली और अन्य जो चने की इल्ली, इस तरह के प्रमुख कीट का प्रकोप बहुत मात्रा में हो जाता है। हम सबसे पहले ये हीरेंद्र जी ये किस तरह की, हाँ ये सेमी लूपर इल्ली है, जो सेमी लूपर इल्लियाँ पत्तियों को काट काट के और खा जाती हैं। परंतु इसमें सबसे प्रमुख बात यह है, जब वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और जैसे ही अंदर इसकी संख्या बढ़ती है तो ये पत्तियों को छोड़कर फूल को खाना चालू कर देती है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है, क्योंकि पत्तियों में थोड़ी कड़ी होती हैं, पत्तियाँ कड़क होती हैं और फूल नर्म होते हैं, तो बट नेचुरल है कि वो फूल की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अच्छा। और फूल के खाने के कारण वहाँ पर फिर फली भी नहीं बन पाती। जी जी, ये एक इसकी विशेषता, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। जी तो अब डॉक्टर साहब फिर दाहिरन जी, इसका हमें समाधान कैसे करना है? इसके समाधान के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें एक मीटर में कितनी इल्लियाँ हैं। यदि एक मीटर में दो या दो से अधिक इल्ली है, जो कि आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है, अच्छा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ETL, यदि आर्थिक क्षति स्तर से अधिक जब संख्या इल्लियों की है तो हमें इस समय जो केमिकल्स हैं उनका छिड़काव करना पड़ेगा, जिसमें प्रमुख रूप से इंडोक्साकार्ब जो कि 335 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, इसके अतिरिक्त क्विनालफास जो कि हम 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या ट्राइजोफास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, इनमें से किसी एक दवा का छिड़काव करके इनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से हमें यह ध्यान देना पड़ेगा जी जी। कि पानी की मात्रा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर मिनिमम उसमें होना चाहिए, और 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके इनमें से किसी एक दवाई का, तभी पूरी तरह से उसका एरिया कवरेज होगा, अदरवाइज वो पूरे एरिया में फैल नहीं पाता है, और इस कारण से हमें पूरे अच्छे परिणाम इल्ली नियंत्रण के नहीं मिल पाते। तो देखिए किसान भाई, एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो 500 लीटर पानी में आपको 350 मिलीलीटर ये जो दो दवाइयां हमने आपको बताई, और आपको टीवी स्क्रीन पर आप उन दवाइयों के नाम भी देख सकते हैं, और इनका इस्तेमाल आपको करना है, तब आप जो है पूरे जो आपकी फसल लगी हुई है उसमें आप इल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हिरेन जी, और क्या समस्या आती है इस वक्त सोयाबीन की फसल में? सोयाबीन में जैसे अभी हमने ये देखा, एक तो हरी अर्धकुंडला इल्ली के बाद बात हुई, फिर अभी आप देख रहे हैं ये तम्बाकू की इल्ली कहलाती है। अच्छा। जो अभी हम देख रहे हैं ये तम्बाकू की इल्ली फली को कुतर रही है। ये तम्बाकू की इल्ली की विशेषता ये होती है कि ये समूह में 1000 से 1500 तक के अंडे एक एक समूह में ये एक एक पत्ती के नीचे देती है, और हमें शुरुआत में यदि इसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो जहाँ पर ये अंडे देती है वहाँ पर इसकी इल्लियाँ निकल करके और पत्तियों को पहले खुरच कर खाती हैं, तो क्लोरोफिल जो है उसका हरा पदार्थ जो है वो उसमें समाप्त हो जाता है और पत्तियाँ सफ़ेद रंग की हो जाती जालीदार। अच्छा। और वहाँ हम इसको नियंत्रण कर लें यदि उसको, जब यदि कम मात्रा में है तो पत्तियों को ही कलेक्ट करके और उनको हम नष्ट कर दें तो वो फैल नहीं पाएंगे, बड़ी नहीं हो पाएंगे। आप देख सके थोड़ा और, हाँ ये वही तम्बाकू की इल्ली है। अच्छा। जिसके बारे में मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ। जी, जी जी। तो ये बहुत खतरनाक होती है यदि हम इसको इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में यदि हम उस स्टेज पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और जब यदि ये बड़ी हो गई तो बड़ी होने के पश्चात हम इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब हमें फिर यही इंडोक्साकार्ब जो मैंने अभी बताई दवाई,
उसके बिना वो नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, अब पोषण प्रबंधन की हम बात करते हैं। हिरेन जी, पोषण प्रबंधन सोयाबीन की फसल में कैसे करना, क्योंकि कई किसान भाइयों की शिकायत है कि फलन नहीं हो पा रहा है इन दिनों बारिश की वजह से, उन्हें क्या सावधानियां रखनी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी जी। हमें वैसे सोयाबीन में तो हमें प्रारंभिक अवस्था में जब बोनी होती तभी हम उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर चारों तत्वों को प्रारंभिक रूप में बेसल डोज के रूप में आधार मात्रा के रूप में देते हैं। परंतु इस समय वर्तमान में जब अतिवृष्टि हो रही है, जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, जहाँ पर की जड़ों को प्रॉपर हवा नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर ये पोषक तत्व रहने के पश्चात भी वो उपलब्ध उनको नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें घोल के रूप में 19-19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश, इन तीनों का जो एक समान रूप से एक घोल आता है, उस घोल का 2% हम मात्रा 2% का घोल बना करके पानी में और उसको छिड़काव करें, तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों का पौधों को उपलब्ध होगा और जो पोषक तत्वों की उपलब्धता होने से फिर उनमें प्रॉपर फूल और फलियां लगना प्रारंभ हो सकते हैं। चलिए अब हिरेन जी, हम मक्के की फसल की तरफ चलते हैं। मक्के की फसल में फॉल आर्मी वार्म, इसका बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में किसान भाई परेशान हैं, तो इससे कैसे निजात हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत समसामयिक प्रश्न है। मक्के का सबसे प्रमुख कीट इस समय फॉल आर्मी वार्म है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं चित्र में, ये फॉल आर्मी वार्म हमारे यहाँ पर अभी मतलब नया कीट है, जो कि अफ्रीका से हमारे साउथ इंडिया में पहले आया, कर्नाटक में, और पिछले 2-3 साल पहले कर्नाटक आया और इस साल और हमारे प्रदेश में बहुत मात्रा में इसका प्रकोप देखा गया है। और इसके नियंत्रण के लिए हम ये देखें, अभी आप देख रहे हैं कि ये जैसे ये खा रहा है, ये जब पत्तियों पर आता है सबसे पहले पत्तियों को खा जाता है, पत्तियों के बाद में इसके जो तना है उसको भी खा जाता है, और तना के पश्चात जब उसमें भुट्टा लगता है तो वो भुट्टे को भी नष्ट कर रहा है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो दवाई है, इसका हम 500 लीटर पानी, वही मैंने फिर बताया 500 लीटर पानी में 200 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट का घोल बना करके और उसका हम छिड़काव करें। कितने दिनों में छिड़काव करना है? इसका छिड़काव हम वैसे तो हम जैसे अभी कर दें और उसके पश्चात दोबारा हम उसको देखें तो 15 से 20 दिन लगभग उसके बाद। हाँ, उसके पश्चात। चलिए, इसके अलावा और मक्का की फसल में और कुछ सावधानी किसान भाई? मक्का की फसल में हमें ये विशेष रूप से देखना है कि इसमें जल भराव की स्थिति ना हो और जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण भी इसमें हो। यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी दिख रही हो तो वहाँ पर हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हिरेन जी, अब हम जरा धान की फसल की बात करते हैं। वहाँ भी किसान भाई हमारे बड़े पैमाने पर धान की फसल का उत्पादन ले रहे हैं, तो हालांकि धान की फसल के लिए अत्यधिक जल की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अभी क्या सावधानियां रखनी हमारे किसान भाइयों को? बहुत अच्छा प्रश्न है। धान के बारे में जो कहा जाता है कि इसमें अभी मेड़ बना करके हम उसका वर्षा का संचयन करते हैं, तो इसमें किसान भाई हम ये देख लें कि अतिवृष्टि के कारण यदि मेड़, यदि धान के खेत की चारों तरफ यदि मेड़ खराब हो गई है तो उस मेड़ का पहले अच्छे से रिपेयर कर लें, ठीक है, उसका फिर से और देख लें और उसमें मेड़ को अच्छे से रिपेयर करके पानी का संचयन करें। उसके पश्चात हमें इसमें नींदा नियंत्रण अभी इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि नींदा रहेगा तो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उसका भी वो उपयोग कर लेंगे। उसके पश्चात 10 किलोग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला हम इसका भी उसमें उपयोग करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 किलोग्राम एजोला, एक प्रकार की काई होती है। जी जी जी। ये काई क्या करेगी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको संशोधित फिक्स करके और नाइट्रोजन वहाँ पर जमीन में धान को प्रदाय करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा ये अन्य पोषक तत्व जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वो सभी पोषक तत्व वहाँ पर उसको उपलब्ध कराती है। इस प्रकार धान के पोषण में वृद्धि होती है। धान में अभी इस समय हम एक और देख रहे हैं, सबसे प्रमुख इस समय जिंक की कमी के कारण यहाँ पर खैरा रोग का एक प्रकोप होता है। अच्छा अच्छा। जिसमें पहले हल्के पीले रंग के उसमें धब्बे आते हैं तने पर और धीरे धीरे वो
बैंगनी रंग में परिवर्तित होकर के और फसल की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे कि फसल की वृद्धि रुकने के कारण वहां पर उसका उत्पादन भी कम हो जाता है और कल्ले की संख्या जो टिलर्स होते हैं उनकी संख्या में भी कमी आ जाती है। जो नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं जिसमें जितने ज्यादा ज्यादा कल्ले निकलते हैं तो उतनी ज्यादा उपज होती, वो उसमें कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम 100 ग्राम EDTA, अच्छा, जो जिंक EDTA कहलाता है, अच्छा, 100 ग्राम जिंक EDTA अभी वर्तमान में 100 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करें तो ये जिंक में जो जिंक की कमी कारण खैरा डिसीज है उसका नियंत्रण अच्छे से मिलता है। इसके अलावा तो और कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं करना किसान भाइयों को धान की फसल में? नहीं, धान में विशेष ऐसा कुछ नहीं है, पर यदि यूरिया की टॉप ग्रेसिंग एक बार और कर सकते हैं जहां पर कि यदि 2 माह की फसल हो गई है तो एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग इसमें और कर सकते हैं। चलिए तो किसान भाइयों देखिए, अभी तक हमने आपको सोयाबीन की फसल, मक्के की फसल और धान की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं वो हमने आपको एक बार जानकारी दी है, लेकिन एक बार फिर धान की थोड़ी सी हम और ज़रा चर्चा करना चाहेंगे। हिरण जी, 2 आपने दवाइयों के नाम बताए जिनका छिड़काव किया जा सकता है, इसके अलावा यूरिया भी आपको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको यूरिया का छिड़काव करना है वहाँ पर, और इसके अलावा फसलों में चूहे के नियंत्रण प्रकोप का भी बड़ा डर रहता है किसान भाइयों को कि चूहों का प्रकोप हो जाता है, तो फसलों को चूहे से कैसे बचाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चूहों का आतंक बहुत हमारे यहाँ पर, जो कि फसलों को नष्ट करने में, क्योंकि वो काट देते हैं जड़ों को और उसके पश्चात फसलें सूखना चालू हो जाती हैं, तो चूहों के नियंत्रण के लिए हमें ये सबसे एक हिरण जी थोड़ा सा रोक करके जरा ये इस फसल पर थोड़ा सा आप क्या इस जी हाँ ये धान की फसल में अभी इस समय जो हमें वही जो हम मैं बता रहा था कि हमें जो मेड़ की मेड़बंदी करके और पानी रोकना है, अच्छा, और इसमें अभी फसल अच्छी है ये धान की इस समय, इसमें इस फसल में ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है जी। तो चूहों के नियंत्रण, चूहों के नियंत्रण के बारे में बता रहा था आपको कि चूहों के नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें चूहों के बिलों को, जो लाइव बिल होते हैं, जीवित बिल, उन्हें आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है और उन बिलों को, वैसे तो बिल कई ऐसे होते हैं जो कि गड्ढे हो जाते हैं और चूहे वहां पर नहीं रहते, तो हमें सबसे पहले ये देखना है उसके उसके लिए क्या है कि जो बिलों के ऊपर हल्का एक पतली लेयर का मिट्टी का घोल उसमें हम लगा उससे बंद करें और दूसरे दिन ये ऑब्जर्व करें, ये देखें कि किन किन बिलों के में से मिट्टी हटी है, अच्छा, तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बिल जीवित है, मतलब यहाँ पर चूहे निवास कर रहे हैं। उन चूहों के बिलों के ऊपर हम जिंक फास्फाइड जो कि आटे में मिश्रण करके, ठीक है, या ज्वार बाजरा इत्यादि जो छोटे अनाज हैं उन अनाजों में भी उसका मिश्रण बना करके इनके जो लाइव बिल हैं, जीवित बिल हैं, केवल उनके पास रख दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चूहा जहाँ पर है वो उसको खाएगा और फिर वो मरेगा। जी जी, तो ये चूहों का नियंत्रण। बिल्कुल, अरहर की फसल अभी हमारी रह गई है जरा, अरहर की फसल जो हमारे किसान भाई ले रहे हैं तो उनको इन दिनों खेतों में क्या काम कर रहे हैं? अरहर में सबसे प्रमुख जो बीमारी आती है वो विल्ट रोग की आती है, अच्छा, जो जिसमें कि तना पूरा जड़ें गल जाती हैं, ये एक फफूंद के कारण होता है, अच्छा, और इस फफूंद का डेवलपमेंट तभी होता है जबकि वहाँ पर या तो पहले से उसका फफूंद हो या लगातार जल भराव के कारण भी होता है, तो हमें इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले तो जल निकास का प्रबंधन करना है, नालियां बनाकर जल निकास का प्रबंध करें, उसके पश्चात जो मैंने अभी आपको जो बताया विल्ट रोग है, विल्ट रोग से बचाव के लिए हमें वहाँ पर फफूंदी नाशक दवाएँ जैसे हेक्साकोनाजोल, अच्छा, या टेबुकोनाजोल, इनका प्रयोग वहाँ पर करना है ताकि वो जो विल्ट रोग है उससे नियंत्रण हो सके, और साथ ही खरपतवार नियंत्रण हमें करना है इसमें। बिल्कुल, हाँ, कुछ इसमें जी, हाँ, इसमें अरहर में कुछ कीट रोगों का भी इस समय जो पत्ती मोड़ा कीट हैं इनका प्रकोप देखा गया है, इनके नियंत्रण के लिए भी हम जो अभी पूर्व में जो दवाइयाँ बताई हैं जैसे क्विनालफॉस 50 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उपयोग कर कर और इसका नियंत्रण कर सकते। बिल्कुल, और हिरेन जी मूंग और उड़द में भी लगे हाथ, आप बता ही दीजिए। मूंग और उड़द इस समय, उड़द का एरिया हमारे प्रदेश में बहुत बढ़ गया है, जी जी,
पिछले साल की तुलना में उड़द का एरिया बढ़ा है। मूंग चूंकि हमारे यहाँ समर की मेन क्रॉप हो गई है ग्रीष्मकालीन, तो मूंग तो कम है, परंतु उड़द और मूंग दोनों में हमें अभी सबसे पहले, जैसे मैंने अभी अरहर के बताया, सेम उसी प्रकार से, क्योंकि ये भी दलहनी फसल है, तो हमें जल निकास का करना है और कीट और रोगों के प्रबंधन के लिए हमें सब सतत निगरानी करके, सबसे पहले कीटों का जो आक्रमण है वो यदि दिखे तो फिर जो ये दवाई मैंने बताई है जो पत्तियां खाने वाली हैं उनके लिए क्विनाल फास, ट्राइजोफास ये, और यदि फफूंद जनित रोग हैं तो टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि का हम प्रयोग इसमें बिल्कुल इनका कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि चलते चलते थोड़ा किसान भाइयों को ये बताइए कि जल प्रबंधन कैसे किया जाए, जल संवर्धन कैसे हमारे किसान भाइयों को करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक है ये। हाँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय हमारे प्रदेश में वर्षा पर्याप्त है, 25 जिलों में जो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों चीज़ें करना है, वर्षा जल का संचयन और जल का हमारे परकोलेशन के द्वारा, हमारे जो जितने जल के स्रोत हैं जैसे तालाब हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इनका भी हमें जल उनका रिचार्ज करना है। रिचार्ज के लिए हमें क्या करना है कि जहाँ पर कुआं है या ट्यूबवेल है वहाँ पर उसके साइड में एक रिचार्ज पिट का निर्माण करना है, लगभग 10 फीट बाई 10 फीट का हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे नीचे मोटे लेयर का, जो मोटे साइज का पत्थर बोल्डर, उसके बाद फिर छोटे पत्थर और उसके ऊपर बजरी और उसके ऊपर रेत, इस प्रकार से हम एक सोक पिट का निर्माण करेंगे, सोखता गड्ढे का, और ताकि, और यदि जहाँ से खेत का पानी आ रहा है उस पानी का वहाँ पर हम नाली बना करके उसमें उतार देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके साइड से फिर जो सोक पिट है उसका हम कनेक्शन कर देंगे एक पाइप के द्वारा कुएं में या ट्यूबवेल के पास कर सकते हैं, और जब वहाँ पर वो पानी वहाँ जाएगा तो उसके मुहाने पर हम जो ये नारियल की रस्सी है उससे उस पाइप को अच्छी तरह से बांध देंगे, उसको छेद करके, ताकि उसमें से जो रेत और मिट्टी है वो वहाँ पर ना जाए और पानी छन करके उसमें। हिरेन जी, एक पिछले दिनों एक ग्रामीण क्षेत्र में जाना हुआ तो वहाँ कपास में कीड़ा लगा दिखा था, ये देखिए जरा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो इस बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा जागरूक कीजिए। ये भी वही है तम्बाकू की इल्ली, अभी जो मैं बात कर रहा था, डेंडू छेदक इल्लियाँ जो कपास में आती हैं, तीन प्रकार की इल्लियाँ आती हैं, ये है वही तम्बाकू की इल्ली, इसमें चने की इल्ली भी आती है, तम्बाकू की इल्ली आती है और एक पिंक बॉलवॉर्म, तीन प्रकार की प्रमुख इल्लियाँ हैं कपास की। तो इन तीनों के नियंत्रण के लिए अभी मैंने जो आपको जैसे अभी बताया जो इंडोक्साकार्ब दवाई, ये प्रभावी दवाई है। इसके अतिरिक्त हम क्विनाल फास का भी स्प्रे कर सकते हैं और ट्राइजोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी हो गया है ये जो अब वक्त है, वो फसलों को सुरक्षा देने का है, कीटों से भी और रोगों से भी उनका बचाव करने का है। तो हिरेन जी ने आपको आज कई दवाइयों के नाम बताए, उनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिनों के अंतराल पर करना है, ये तमाम जानकारियाँ आपको दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारियाँ आपके बहुत काम आएंगी, आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करें, अपनी फसलों को सुरक्षित रखें। तो हिरेन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे इतनी अमूल्य जानकारी किसान भाइयों को देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।